द सेक्रेड अमृतसर फेस्टिवल के पहले एडिशन में शहर की सांस्कृतिक विरासत की हर झलक देखने को मिली। भव्य गोविंदगढ़ फोर्ट में गीत, संगीत और कविता सब कुछ पूरी रवानी पर था। There has been a platform in Amritsar for this kind of music. So a lot of the locals have been saying, "Oh my God, thank you!" And it needed somebody from outside to come in and do it. So I think people have been very receptive to that, and we hope that the word of mouth will, as we've seen in most of our festivals across the world, bring people back again and again and again and grow it. चाहे वो गायक चिन्मय त्रिपाठी का सूफियाना अंदाज में शानदार परफॉर्मेंस हो या फिर सिंगर डॉली गुलेरी और सुनैनी शर्मा की थिरकाने वाली गायकी और अलिफ बैंड के फ्रंटमैन मोहम्मद मुनीम का शानदार संगीत हो, तीन दिन के फेस्टिवल में सभी ने समा बांध दिया। सूफी रॉक म्यूजिशियन रब्बी शेरगिल शो स्टॉपर रहे। It had its heart in the right place. It's doing what I'm talking about, which is to extend our tastes. I'm very happy to be part of that, and I think only people can tell how they liked it. And, I think it's left a mark. इस सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए पुराने शहर की विरासत की झलक भी देखने को मिली। यादों का कारवा टाउन हॉल से शुरू होकर कटरा आहलूवालिया, गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब और उदासीन अखाड़ा जैसी ऐतिहासिक जगहों से होकर गुजरा। इसमें 1947 के विभाजन के दौरान प्रभावित लाखों लोगों से जुड़े इतिहास का दस्तावेजीकरण और उनकी यादों को सजोए और उनको समर्पित दुनिया के पहले पार्टीशन म्यूजियम का गाइडेड टूर भी शामिल था। इस महोत्सव में अमृतसर के स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक पेश किया। इसके अलावा मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल और अवार्ड विनिंग कंजर्वेशन आर्किटेक्ट गुरमीत राय और लिटरेरी हिस्टोरियन पुरुषोत्तम अग्रवाल से चर्चा भी मुख्य आकर्षण रहा।